रात को करीब 1 से 1.5 बजे तक एक लड़की का मैसेज आता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो लड़का बोलता है चलो ठीक है हम बातचीत कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तभी लड़की जिद करती है कि मुझे वीडियो कॉल करनी है। तो वीडियो कॉल कर लेते हैं। लड़की ने शॉर्ट्स कपड़े पहने हुए थे और लड़का उसको देखता रहता है और एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। बातचीत करने का सिलसिला इतना चलता रहा कि उनको पता ही नहीं चला कब सुबह के 6 बज गए। लड़के को ऑफिस के लिए तैयार होना था और ये एक बार कॉल नहीं करते बल्कि पूरा दिन कॉल करते रहते हैं एक दूसरे से। यही बातों का सिलसिला चलता रहता है। और इस लड़की ने सिर्फ एक इस लड़के से ही नहीं बात की थी, लगभग 21 लड़कों से वो बातचीत कर चुकी थी। और तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम इस लड़के के पास पहुंचती है। इस लड़के ने ऐसी सच्ची घटना बताई, किसी को विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा खुलासा भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास जांगड़ा। आज मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में एक क्षेत्र है आनंदगढ़। आनंदगढ़ एक गांव है, वहां का एक रहने वाला लड़का है नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार के पास अचानक रात को 1-1.5 बजे मैसेज आता है एक लड़की का कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तभी एक दूसरे से बातचीत करते हैं। एक दूसरे से बातचीत करने के बाद लड़की वीडियो कॉल करने की जिद करती है। वीडियो कॉल करके लड़की ने शॉर्ट्स कपड़े पहने होते हैं और शॉर्ट्स कपड़ों में वो एक दूसरे से बात करती रहती है और बात का सिलसिला इतना चलता रहता है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 6 बज गए। तभी लड़की बोलते कि आप कहाँ पर रहते हो। तब लड़का बोलता है कि मैं राजस्थान राज्य के जो बीकानेर जिला है वहां पर एक गांव है आनंदगढ़, वहां का रहने वाला हूँ। क्योंकि आनंदगढ़ पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर आता है। तभी वो लड़की बोलती है कि मैंने इस एरिया को कभी देखा नहीं, आप गलियों की फोटो भेज दीजिएगा। तभी गलियों की फोटो भेजते हैं, हर एक गली की फोटो भेजते रहते हैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा इनको लगाव हो जाता है, एक दूसरे को प्यार हो जाता है। लड़का कुछ भी बोलता है, कुछ भी अंग देखना चाहता है लड़की के, तो लड़की कभी मना नहीं करती, उस अंग को दिखाने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी लड़की बोलती है कि आप और गलियों के फोटो भेजो, और गलियों के फोटो वो भेजती रहती है। जहां पर भी फौजियों के टैंक होते हैं, जहां पे भी फौजियों के टैंक होते हैं, कुछ भी होता है, वो लड़का फोटो भेज देता है। और तभी लड़की एक दिन कॉल पर बात कर रहे थे लड़का लड़की, तो वो बोलती है कि मैं BSF में डाटा एंट्री की जॉब करती हूँ। तभी एक दूसरे में बातों का सिलसिला चलता रहता है, दोनों में शादी की बातें चलती है, शादी का सिलसिला चल जाता है। और तभी लड़की नरेंद्र को बोलती है कि आप एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें सभी खबरें आती हो। तभी लड़का एक ग्रुप बनाता है रॉयल राजस्थान न्यूज के नाम से, वो ग्रुप बना लेता है। उसके अंदर लगभग 21 से 22 फ्रेंड्स को जोड़ लेता है जो कि उसके अंदर न्यूज डालते थे कि जो भी वहां पर आसपास एरिया के अंदर जो भी हो रहा था सारे न्यूज डालते हैं। और तभी वो लड़का मन ही मन खुश रहता है, लेकिन वो लड़का ये नहीं जानता था कि जिसके अंदर लगभग 21 से 22 बंदे जुड़े हुए हैं कि वो उनसे भी बातचीत करती है, ना कि सिर्फ नरेंद्र से ही बातचीत करती है। एक दूसरे को उनमें से किसी को पता नहीं चलता है। और जो वो इन्फॉर्मेशन है वहां पर जो न्यूज आती है वो सभी पढ़ती है और सभी को कलेक्ट कर लेती है। तभी लड़का बहुत खुश होकर अपने घर वालों को बताता है क्योंकि वो लड़की अपना नाम पूनम बताती है, तो बोलती है कि मैं पंजाब बठिंडा की रहने वाली हूँ। ऐसी बातों का सिलसिला चलता रहता है, खबरें उसको मिलती रहती है। तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम्स पहुंचती है इस लड़की को ढूंढने के लिए। लड़की तो मिल नहीं पाती है और तभी ये लड़का मिल पाता है जिसका नाम होता है नरेंद्र। राजस्थान के अंदर एक भुज क्षेत्र होता है, उस भुज क्षेत्र के अंदर ये नरेंद्र नाम का लड़का मैकेनिक का काम किया होता है। तभी कुछ ऑफिसर कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर नरेंद्र नाम का लड़का कौन है। तो तभी एक मैकेनिक हाथ उड़ाता है कि साहब मैं नरेंद्र हूँ। तो नरेंद्र से बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद उसको नरेंद्र को गाड़ी में बिठा लिया जाता है और गाड़ी में बिठाकर वो नरेंद्र कुमार को ले जाते हैं। खुलासे में पता चलता है कि जो लड़की अपने नाम बता रही है पूनम, असल में उसका नाम पूनम है ही नहीं, ना वो पंजाब बठिंडे की रहने वाली है, बल्कि वो एक पाकिस्तान के अंदर रहने वाली है। काफी खूबसूरत लड़की थी तो पाकिस्तान की रहने वाली है।
और पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस खुफिया विभाग में काम करती है, जो कि जानकारी इकट्ठा कर लेती है सारे के सारे। फिलहाल नरेंद्र कुमार को हिरासत में ले लिया है और कितने लड़के के अंदर जो भी लड़के थे उनको भी हिरासत में ले लिया है और जितने भी लड़कों के नाम आते हैं वहां पर उसको हिरासत में ले लिया जाएगा। तभी प्रशासन एक अधिकारी बोलता है कि आप किसी भी और आपके पास किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है उसको अच्छी तरह से जो जानकारी है पूरे इंडिया के अंदर जहां पर भी जानकारियां हैं वो ना दी जाए। आप इन फेक गल्लों से सोच समझकर बात कीजिएगा और अगर आप इसके अंदर कोई भी खुलासा करते हैं तो आपको भी सजा हो सकती है। दोस्तों हमारा किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं था, ये थी एक सच्ची घटना राजस्थान। फिलहाल मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये सच्ची घटना किसको अच्छी लगी आगे आने वाले वीडियो में, और किसका जन्मदिन है आगे आने वाले वीडियो में हम उनका नाम भी लेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।